आज भारत के अंदर 90% यंगस्टर के पास स्मार्टफोन यूजर एंड्रॉइड फोन यूज हैं। अगर मैं बात करूं उन लोगों की इनकम की, तो वो लोग स्मार्टफोन के साथ साथ इनकम को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है आज भारत के अंदर 90% यंगस्टर में या तो कोई कोई लड़का, कोई युवा या तो स्टूडेंट लाइफ में है, या तो कोई जॉब कर रहा है, या तो बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जॉबलेस हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो अपनी आप पढ़ने के बाद, जॉबलेस होने के बाद, इस लॉकडाउन में यूट्यूब को करना शुरू किया और आज अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, मैं किसी और समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से चंद समय पहले, 1 से 1.5 साल पहले लोगों ने यूट्यूब करना शुरू किया। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, जिस किसी के पास एक बेहतर तरीके का एंड्रॉयड फोन नहीं था, आज वो खुद की बाइक से चलता, खुद के बनाए हुए घर में रहता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी लोग, हर किसी व्यक्ति को यूट्यूब में आना चाहिए। जैसे कि आप सभी युवा लोग हैं, बहुत से गर्ल्स भी हैं जो घूमना ज़्यादा पसंद करती हैं, टूरिस्ट हैं, लेकिन वो अपने सेल्फी भी लेना पसंद करती हैं। मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपना एक यूट्यूब में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कीजिए और ब्लॉग करना शुरू कीजिए। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर जाते हैं, तो वहां पे उम्र मायने करती है, साथ साथ आपका एजुकेशन मायने रखता है। लेकिन यूट्यूब में किसी भी प्रकार की कोई उम्र नहीं होती है और ना किसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन होता है। आपके अंदर जो भी हुनर है आपके माइंड में, आप अपने हुनर को रखिए। जैसे कि आर्ट्स बनाना हो गया, ब्लॉग करना हो गया, स्टडी करना हो गया, एजुकेशन यानी कि टीचरिंग करना हो गया, आपके अंदर कोई भी अगर टैलेंट है, तो आप कुछ भी अगर आपके अंदर है, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं और उसमें से लाखों इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप सभी लोग यूट्यूब पे आइए और आपके पास बहुत ही चांस है, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।